ओके अब जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिंपल है, एक रेलिंग का। रेलिंग का ऑप्शन ये होता है कि जस्ट लाइक जैसे आप कोई बैल्कनी वगैरह पे जो कॉर्नर्स पे जो एरिया लगा हुआ होता है, ठीक है, जो जंगला होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रेलिंग का ऑप्शन होता है, उसकी मदद से इसको क्रिएट किया जाएगा। रेलिंग का ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर उसको मॉडल किया जाए बॉक्स या सिलेंडर वगैरह की मदद से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम यहाँ पे करते ये हैं कि डायरेक्ट इस क्रिएट पैनल के अंदर जो स्टार्टअप लिखा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे हम करते हैं AEC एक्सटेंडेड पे क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन होता है रेलिंग का। जैसे आप इस रेलिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास देखें यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आ रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल से रेलिंग के ऑप्शन को यूज़ करें तो आपके पास ऑप्शन ये होता है कि डायरेक्ट आपने इस तरह से एक रेलिंग क्रिएट करी, ये उसकी हाइट दे दी। अब देखें इस रेलिंग के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास जो इस वक्त यहाँ पे एक सिंपल सी रेलिंग क्रिएट की गई है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि इसके अंदर हमारे पास टॉप रेल, लोअर रेल, पोस्ट और फेंसिंग के चार डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। टॉप रेल हमारी होती है सबसे टॉप वाली, ठीक है, आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास ये टॉप रेल है वो एक बिल्कुल स्क्वायर शेप है अगर उसको करीब से देखें तो। अगर आप यहाँ से प्रोफाइल पे जाकर उसको कर देते हैं राउंड, राउंड जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप रेल का हमारा एरिया है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इसकी डेप्थ वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, आप चाहें तो विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसकी हाइट को कंट्रोल करेंगे तो आपकी ओवरऑल रेलिंग जो है अप एंड डाउन हो जाएगी और इस तरीके से उसको साइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक लोअर रेल का एरिया है, अभी इस वक्त हमारे पास लोअर रेल ओनली वन है। आप चाहते हैं कि लोअर रेल थोड़ी सी बढ़ जाए तो आपने डायरेक्ट इस बटन पर क्लिक करा, आपके पास फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर काउंट शो कर रहा है वन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वन ही रेलिंग है आपके पास लोअर रेल की। अगर आप यहाँ से इस तरह से बढ़ाएंगे इसको आप देख सकते हैं जितनी आप अमाउंट यहाँ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ पे आपकी लोअर रेल बढ़ती चली जा रही है। अब इस लोअर रेल को भी कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट तरीकों से, जैसे मैं इन तीन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक राउंड शेप के अंदर, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल आ रही है स्क्वायर, आपने सिंपल क्लिक कर दिया राउंड के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि अब ये भी राउंड रेलिंग हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी विड्थ होती है और इसकी भी हाइट होती है, सॉरी विड्थ एंड डेप्थ होगी, ठीक है, आप इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है पोस्ट का, पोस्ट का एरिया होता है हमारे पास ये जो दो बीच में जो ऑप्शन आ रहे हैं ये पोस्ट कहलाती हैं, ठीक है, ठीके? आप सिंपल पोस्ट के एरिया को भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब जितनी यहाँ पे आपके पास पोस्ट जो बढ़ रही होंगी, ठीक है, ये आपके पास ये दो जो पोस्ट होती हैं इसी तरीके से आपके पास ये बीच वाले जो एरिया है इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे वन की वैल्यू दी है तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट जो है बढ़ चुकी कम हो गई। ओके, अब इन पोस्ट को भी आप चाहें तो बिल्कुल एक राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये बीच में जो ये दो अलग से एरियाज आ रही हैं इनको हम कहते हैं फेंसिंग। अब फेंसिंग के लिए भी सेम वही ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर फेंसिंग के इन सेगमेंट्स को आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा जब भी एज ए एक्सपर्ट लेवल पे जब इसको मॉडल कर रहे होते हैं हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी पोस्ट या फिर फेंसिंग है वो ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये है क्योंकि जितनी वो ज़्यादा होंगी आप F3 प्रेस करके देख सकते हैं उनके पॉलीगॉन्स उतने ज़्यादा होंगे और फिर वो रेंडर में इतना ही हैवी होगा। अब सिंपल आप चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पर फेंसिंग का एरिया ऑप्शन अप्लाई करा है तो आप सिंपल यहाँ पर उसको राउंड करके चेक कर सकते हैं, इसकी भी डेप्थ विद और एक्सटेंशन वगैरह कोई डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर इनको अप्लाई कर सकते हैं।